खुदा के मुबारक लोगों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह का वक्त हो गया और दुआ का वक्त हो गया। मैं आप सबका इस मॉर्निंग प्रेयर में, इस दुआ में शरीक होने पर आपका स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आजकल संसार में परेशानियों का माहौल चल रहा है। जिस तरफ भी नजर डालें, परेशानियां ही परेशानियां हैं। सब तरफ अशांत माहौल, शांति कहीं नजर नहीं आती। जिस तरफ देखो, जिस अखबार को देखो, जिस न्यूज चैनल को देखो, सब तरफ कुछ भी अच्छा नहीं, सब तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। पवित्र कलाम फरमाता है कि परेशानियों का आना यकीनी है। परेशानियां तो आएंगी ही, पर परेशानियां हमेशा नहीं रहती, परेशानियां सदा नहीं रहती। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब भी परेशानी आए तो खुदा के वचन से उस परेशानी का मुकाबला करो तो परेशानी दूर हो जाएगी। आजकल लोग ज्यादातर खुदा का कलाम पढ़ते नहीं है, खुदा का कलाम सुनते नहीं है, दुआ नहीं करते। इसी वजह से लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं और इस दुनिया में जो क्लेश बढ़ रहा है उसमें नाश हो रहे हैं। मैं पवित्र कलाम का, कलाम मुकद्दस का एक हिस्सा आपको आज रखना चाहता हूं। की वर्ड है आज की, होशे नबी की किताब है, उसका चौथा अध्याय है, उसकी छवी आयत बयान करती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे हैं। लोगों ने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक, अपना बेटा, अपना बेटी होने के अयोग्य ठहरा दूंगा। तूने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के पवित्र कलाम को, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है और अब मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। डियर फ्रेंड्स, खुदा का कलाम फरमाता है कि मुबारक वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और खुदा का कलाम मानते हैं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। दुआ का समय हो गया है, हम दुआ में जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को जोड़ लें और खुदा से दुआ मांगें। आसमानी पिता, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए प्रभु, जो तूने हमारी जिंदगियों को बख्श दी और हमें जिंदों की जमीन पर रखा। हम तेरे धन्यवादी हैं कि तूने दुआ का मौका दिया, वचन को सुनने का मौका दिया। प्रभु तुझसे इल्तजा है कि जिस तरह पिछले दिनों तूने संभाल के रखा, हमें इस बार भी संभाल के रखना। मैं परेशान लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि परेशानियों का हल तू है प्रभु। उन अशांत लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ, खुदावन तू तो शांति का राजकुमार है, अपनी दिव्य शांति अता कर। मैं गरीब लोगों के लिए, मोहताज लोगों के लिए भी दुआ मांगता हूँ, तंग हाल लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ। अपने छिपे हुए भंडारों से, अपने छिपे हुए खजानों से उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। दिन भर हमारी सहायता करना, हमारे कामकाज में, हमारी बोलचाल में, हमारे आने जाने में हमारा मददगार साबित होना प्रभु, ताकि आज का दिन तेरी हजूरी में और तेरी मर्जी से पूरा हो सके। दुआ को सुनो और कबूल करो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के वसीले से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन। इत्मीनान से, तसल्ली से, शांति के साथ अपने काम काज पर जाएं।
अपना ख्याल रखें, अपने आप को खुदा के हाथों में देते दे दें, ताकि आज का दिन हमारे लिए मुबारक ठहरे। प्रभु यीशु नाम, आमीन आमीन।